आप लोग भूल बैठे ज्यादा देर प्रोग्राम नहीं चलेगा आधे घंटे के बाद पर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट इवेंट है उसकी प्राइस के नाम करने से पहले मैं जारी करूँगा जनाब सिराज सर जो के रूम माइक पर आए और ये हमारे जितने लोगों को देखने ना समझिए कि सबसे उस्ताद है ठीक है और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मौजूदा जमाने में बच्चों को किस तरीके से तालीम से जुड़े रहना चाहिए। मैं बात दूंगा उस्ताद मोहतरम जनाब सिराज सर से कि वो आए और अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। बहुत ही खुशी और मुसर्रत का मौका है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें मुख्तलिफ नौ प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर लाइब्रेरी की तरफ से मुनाकिद किए गए थे। इसका नतीजा आज सामने आया है और अव्वल दो मौकों को जिंदा हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के दरमियान इनाम की स्नात की तकसीम जो है हो रही है। कमेटी इस्लामी लाइब्रेरी तकरीबन 1958 से ही कायम है और मौजूदा हालात में मैंने कुछ दिनों से जब से कुछ वर्षों से मैं कह सकता हूँ जब से अलीगढ़ के 11 नौजवानों ने और कुछ पढ़े लिखे जो तालीम याफ्ता लड़के थे उन लोगों की एक जमात जब इसमें शामिल हुई है तो ये दिन दूसरी रात जब उन्हें तरक्की कर दी गई है। ये लाइब्रेरी कभी मैंने एक चाली और कपड़ा ये कि घर में छोटे से घर में लाइब्रेरी टाइम थी लेकिन आज ये शानदार लाइब्रेरी मंदिर इमारत यहाँ पर खड़ी है। इसमें जिन लोगों ने भी काम किया है जो मौजूदा कमेटी है इस कमेटी ने बहुत दिलजमाई के साथ काम किया है और काम करने के बाद कमेटी में एक ऐसा माहौल पैदा किया है जिस माहौल में लड़के जो है वो नसीब तालीम याफ्ता हो रहे हैं बल्कि बरसरे रोजगार भी हो रहे हैं। तालीम का मकसद बच्चे से रोजगार नहीं है लेकिन इसके बावजूद रोजगार भी जिंदगी का एक बहुत ही लाजमी हिस्सा है इसलिए जब तक आपने अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता उस वक्त तक वो आगे के बारे में कुछ नहीं सकता। माली जरूरत बहुत अहम सी होती है जिसके बगैर धरती करने में बहुत सारे मुश्किल का सामना होता है। लाइब्रेरी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाता रहता हूँ मैंने देखा है कि जाबदारी में अंगस में काम किनारा में यहाँ तक के रिमोट जो इलाके हैं राजा हाट के राय इलाके में या उसके अलावा आपके वहीं पर उससे मुख्तलिफ जो जगह है नारायणपुर में कटकिया में फटियापुर में बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि वहाँ के लोग जो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने बहुत सारी अजीमानी कायम कर रखी हैं और उनके तहत जो है वहाँ पर समझिए ये इदारों में कंपटीशन है कि कौन सा इदारा कितना ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। आलमी मिशन की तौर पर बात ही नहीं करते थे वो अलग बात है वो आम लोगों के बस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने हटिया ब्रुज में देखा है राजा बाजार में मदरसा के अंदर चलता है
वहाँ पर शानदार फोटो हो रही है, वहाँ के लड़के जीत की ये भी बन गए। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि राजा बाजार के लोग या अपने कुछ के लोग, मलेशिया के लोग बहुत पहले से, हम लोगों से बहुत पहले से वो लोग काम कर रहे हैं और वहाँ काफी प्रोडक्ट जो है वहाँ से काफी लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है वो आते हैं। कमर्टी मिल की शुरुआत इस्लामी लाइब्रेरी से ही हुई है। इस्लामी लाइब्रेरी ने दरअसल जो है इस काम की शुरुआत की थी और इसके जिम्मेदारों ने ये अपने हाथ में जब ये कमान संभाली, जब अपने हाथ में जिम्मेदारी संभाली तो इनकी भी यही ख्वाहिश रही कि हम लोग भी इसी तरह के कुछ इदारे कायम कर पाएँ। और मुझे खुशी है कि जिन लड़के और लड़कियों ने यहाँ से पढ़ के कामयाबी हासिल की उन्होंने इस लाइब्रेरी को छोड़ा नहीं है, बल्कि अभी भी उसकी तरक्की के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और तलबा और तलबा की मदद करने के लिए जो तमाम लड़के जो आज मुख्तलिफ पदों पर फायल हैं उनके अंदर ये दिल की तमन्ना होती है कि इस तरह हम बड़े मकाम पर पहुँचे हैं, हमारे इलाके में लोग भी हमारे इलाके में बच्चे पहुँचे और इसका उनके इस तरफ से, उनके कॉपरेशन से और उनकी मेहनत से जो है कमर्टी जो है का इलाका जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी मैं जनरल महसूस करता हूँ कि और भी इधारों को आना चाहिए आगे और आगे आज बढ़कर जो है और फिर से एक बात हमारे पास पेश करते हुए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके नतज बहुत शानदार आ रहे हैं और जिसकी वजह से कम्युनिटी में भी जो है कम्पिटेटिव माहौल फैला हुआ है। लेकिन इंफरादी कोशिश भी कैसी बात है, लेकिन उसके बावजूद जब आपको और इलाके की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं ये उम्मीद रखते हुए ये सफर आप लोगों ने शुरू किया है जारी रहेगा। बाद में जिले राष्ट्रीय हयात जिले पिछले जिला गाँव से जिंदा हर एक चीज है वो विषय प्राइस के लिए उनका नाम पुकारूंगा। तो इसमें भी टोटल हमारे पास जो लिस्ट है वो 15 मतलब कि 15 बच्चों का है। ठीक है, बात तो नॉर्मली होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डे की, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं वो अपने आप में विनर हैं। ठीक है, तो उनमें से भी जो बच्चे बहुत अच्छा किए हैं उनमें से हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग सबको नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी मुमकिन कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें शिरकत किया जाए, इसीलिए 15 बच्चों को इसमें भी हम लोगों ने नॉमिनेट किया है। तो उस 15 बच्चों में जो बच्चे अपना नाम इंदराज करा पाए हैं उनका नाम मैं लूंगा और बच्चे तैयार हैं। जो 15th रैंक यानी क्लास 5 से लेकर क्लास 8 के बच्चों में जो 15वां रैंक लाया है वो है दिशान अली, क्लास 6 दिशान अली, सन ऑफ मुबारक अली। मैं गुजारिश करूंगा सोहराब भाई से कि वो आए और इस बच्चे को प्राइज दें। दिशान अली सन ऑफ मुबारक अली, ये क्लास 6 का बच्चा है जो 15th रैंक किया है, आप लोग प्लीज क्लास कीजिए बच्चे के लिए। क्या बनना चाहते हो तुम? साइंटिस्ट। वेरी गुड, हमारे मास्टर में साइंटिस्ट की बहुत कमी है, अल्लाह का ये बच्चा कामयाब हो। इसके बाद नौशीन नाज, क्लास 7 की बच्ची है नौशीन नाज, डॉटर ऑफ अकबर अली। नौशीन नाज,
मैं सर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस बच्ची को प्राइज दे नौकरी नाच। आप लोग बहुत दिलचस्पी कर रहे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, मतलब के आने वाले वक्तों में यही बच्चे और बच्चा कामयाबी है। और थोड़ा बताएं आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, नाम उनका नाम और इस बच्ची को प्राइज दिलवाइए। शाहीन परवीन ना प्राइज देते हुए मास्टर मोहम्मद हसन साहब। आप ये बच्ची बताएगी कि बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, पहले अपने अपना नाम बताइए, अपने स्कूल का नाम और बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। मेरा नाम शाहीन परवीन है और मैं सिलेनी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ट्वेल्थ रैंक लाई है सबरीन फारूक डॉक्टर ऑफ मोहम्मद फारूक। मैं अमित कुमार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस बच्ची को प्राइज दिलवा दें। बताइए आप किस स्कूल में पढ़ती हैं, क्या नाम है और क्या बनना चाहती हैं। ऐसा लग रहा है ना कि हम लोगों के बाद इन लोगों को फौजी डॉक्टर बनाने वाला कोई बचेगा नहीं, क्यों? क्योंकि कोई किसे बनने ही चाहता है तो फिर इन लोगों को बनाएगा कौन? हम लोग के बाद मुश्किल है, ठीक है। अब लग रहा है कि इस तरह का आखिर टीचर हम लोग रह जाएगा। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अतीफा फिरोज जमील, डॉक्टर ऑफ फिरोज जमील, क्लास 7 की स्टूडेंट है जिसने 11th रैंक किया है। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ बैठे की जो है और इस बच्ची को प्राइज दिलवा दें। ये अतीफा फिरोज जमील, डॉक्टर ऑफ फिरोज जमील। आपके लिए वो स्टेज पे आए और मोहम्मद इशाद साहब के लिए वो बैग पहनाए। ये हमारे
इसके लिए ऑफिसर किया है। तैयार रहेंगे, अभी तैयार रहेंगे अशोक साहब, वहां पे हम बैठे हैं। इसके बाद मैं मांगूंगा समाहत खान, क्लास 5 की स्टूडेंट समाहत खान, डॉक्टर कुबेर आलम वो आए और इनको प्राइज देने के लिए आज अपने काम को वो आए अपने बच्ची को प्राइज करवा दें। समाहत खान जो कि हमारे अरबी नदी टीचर कुबेर भाई की बेटी है, अपने बारे में बताइए। न्यूटन लिखते हैं तो बोलो न्यूटन।